नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? सर, आप पुनीत सर बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? अच्छा, मुझे आपका नंबर एक दीदी थी, उन्होंने दिया था। और एक्चुअली मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, तो सुनने में थोड़ा आ रहा था वही गवर्नमेंट वाला। तो दीदी थी तो उनको मैंने ऐसे ही बोला, तो उन्होंने बताया आपके बारे में। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया और बोला कि भैया है, सर है, आप उनसे बात कर लीजिए तो आपको अच्छे से मतलब हर चीज पता चल जाएगी। तो पहले तो मैंने सोचा कि करूँ कि ना करूँ, फिर मैंने थोड़ा कहा नहीं, देखते हैं अच्छा करके। आपका अपना, फोन भी लग गया। चलिए ठीक है। तो क्या जानना चाहती हैं, बताइए। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे सुनने में आया है, सुनने में क्या मतलब, ये तो पता ही है कि जो एनटीटी किए हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें मतलब एलकेजी यूकेजी और प्री प्राइमरी बन रहा है, तो मतलब इसी का थोड़ा आपसे जानकारी चाहते हैं। तो दीदी बता रही थी कि आपका एक चैनल भी है, वीडियो वगैरह भी आप शायद डालते हैं, तो अभी तो मुझे उसके बारे में नहीं पता। मैंने देखा था तो आया था, लेकिन मैंने कहा पहले आपसे बात कर ले। तो आपने एंटिटी कर रखा है? अच्छा, हाँ सर, तो एंटिटी के अलावा और कुछ? तो एनटीटी के अलावा तो जैसे जो पढ़ाई होती है हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन एमए वो कर रखा है, उसके बाद मैंने एनटीटी किया, और तो जो अदर कोर्स होते हैं वो मैंने काफी किए हैं। लेकिन जैसे मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मुझे पता चला कि इसका गवर्नमेंट का शायद प्राइवेट में कब कुछ से सर, पढ़ा रही हैं, कितने समय से? 2 साल समय नहीं हुआ, 2 साल। 2 साल से पढ़ा रही हैं। एनटीटी कब की हैं? एनटीटी तो मैंने किया था 2011 में। अच्छा, उसी के बाद। हाँ, और 2011 में किया था 2 साल का। और फिर मुझे ऐसे ही जैसे बच्चे भी हमारे थे बड़े हो गए, तो मैंने कहा ठीक है खाली बैठे हैं तो ज्वाइन कर लेते हैं। फिर जब जैसे आप 10 लोगों के बीच में जाइए तो आपको कुछ ना कुछ पता चलता रहता है। तो तो मुझे आपने आपने जो है हाई स्कूल किया, उसके बाद इंटर किया, उसके बाद जो है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री, फिर मास्टर डिग्री के बाद आपने एनटीटी कर लिया पढ़ाने के लिए छोटे बच्चों को, है ना? हाँ जी, और आप 2 साल जैसे से मैंने पढ़ा शायद, रही हैं। हाँ 2 साल से पढ़ा रही हूँ। फिर मैंने कंप्यूटर का भी किया था गवर्नमेंट का, और जैसे जो एज थी उस टाइम मैं बहुत मतलब मुझको शौक था कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो मैंने कंप्यूटर भी किया और बहुत भी अदर कोर्स भी किए। तो जैसे मैंने पेपर में भी इसका पढ़ा था कुछ टाइम पहले, मैंने फेसबुक पे सॉरी उस पर भी देखा, गूगल पे भी देखा, सर्च किया। तो ऐसे ही दीदी तो आपकी बातें हो रही थी, तो स्कूल में भी हुआ करती है, तो उन्होंने बोला कि भैया उनका चैनल है आप बात करके देखिए तो वो आपको जानकारी देंगे। तो तो आप जो है पढ़ा रही हैं, हाँ जी भैया तो टीचिंग फील्ड में है, तो टीचिंग में ही आपको जाना है ना, जी, हाँ इसी में रहना है ना, कोई और फील्ड जी में तो हाँ नहीं ना जी, जाना है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे टीचिंग तो सबसे सेफ रहती है लेडीज के लिए, और मान लीजिए किसी और में जाना होता तो हम आपको फोन ही नहीं करते फिर तो। हाँ अपनी अपनी सोच है। खैर, टीचिंग में अलग अलग लेवल बने हुए हैं। जी तो आप अभी एनटीटी करके कौन सी कक्षा को पढ़ा रहे हैं? तो अभी वही प्ले ग्रुप है, छोटे बच्चे हैं। एक्चुअली हमारे घर के पास न्यू स्कूल खुले हैं तो मैं अभी उसी में पढ़ा रही हूँ, जैसे अच्छा। छोटे बच्चे प्ले के जी हो गए, एलकेजी यूकेजी इस तरह के जो बच्चे होते हैं प्राइवेट। तो जो LKG UKG प्ले, ये जो है प्री प्राइमरी इसको बोलते हैं, जी तो नर्सरी वगैरह जो कक्षाएं चलती हैं, तो एक लेवल ये हो गया, और फिर एक से जी लेकर के 5 तक प्राइमरी लेवल हो गया, और फिर जी 6 से लेकर 8 तक जूनियर लेवल है, फिर उसके ऊपर 9-10 TGT, उसके ऊपर 11-12 PGT, और फिर उसके ऊपर का आप जानती हैं सब, हाँ ठीक है? जी तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है प्राइमरी से लेकर के हायर लेवल तक भर्तियां आती थी अभी तक। जो जी आप जिस लेवल पर पढ़ा रही हैं, प्री प्राइमरी लेवल नर्सरी, जी इस लेवल पर सरकारी में कोई स्कूल न चलते थे,
ना कभी भर्ती आती थी। आते थे। ये इतिहास है कि आज तक जो है कभी भर्ती आई नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल ही नहीं चलते थे सरकारी में, स्कूल ही नहीं चलते ठीक थे है, आंगनबाड़ी जी। चलता था, वहां पर छोटे बच्चों के लिए कुछ चीजें कराई जाती थी, ठीक है, वो भी जी पोषण से संबंधित खास तौर पे। तो गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया है 2020 में, उसको कोशिश कीजिएगा पढ़ने का, समझने का। तो जी उसमें ये नया कॉन्सेप्ट आया है प्री प्राइमरी का, सरकारी स्कूल में भी, ठीक है। तो जी जो आंगनवाड़ी हैं उनको ही प्री प्राइमरी स्कूल बनाया जा रहा है, जितने आंगनवाड़ी हैं धीरे धीरे सबको, और उनका नाम रखा जा रहा है बाल वाटिका। बाल वाटिका हाँ, तो जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें भी बाल वाटिका शुरू हो चुका है, और जो जी यूपी के अंदर जो आंगनबाड़ी हैं उनको भी धीरे धीरे कन्वर्ट किया जा रहा है बाल वाटिका में, बाल वाटिका ठीक है। लेकिन अभी जी। भर्ती इसमें भी कहीं हो नहीं रही है। जो केंद्रीय अच्छा विद्यालय में शुरू हुआ है उसमें भी संविदा पर जो है रख रखे करके जा काम रहे। चला रहे हैं, ठीक है, 2 सत्र से ऐसे ही चल रहा है। और यूपी के अंदर जो बाल वाटिका भी शुरू किया गया है, तो जो आंगनवाड़ी में जी महिलाएं पहले से कार्यरत हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री वगैरह, तो उन्हीं से अभी काम चलाया जा रहा है। लेकिन जी जल्द ही जो है इसमें बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी, टीचर यहाँ पर भी रखे जाएंगे। लेकिन अभी कब तक वो परमानेंट टीचर रखेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है अभी आंगनबाड़ियों से ही काम चलाएं, हो सकता है कि जो है अभी संविदा पर ही काम चलाएं। परमानेंट भर्तियां जी होंगी, लेकिन कब से होंगी इसकी कोई जो है डेट घोषित नहीं की गई है। डेट नहीं घोषित है। अच्छा हाँ, न्यूज आया था कि बाल वाटिका में एनटीटी वालों को भी लिया जाएगा। 70% सीटें जो होंगी वो एनटीटी वालों के लिए, एनएसडीएलएड वालों के लिए रहेगा, जी और जो 30% सीट रहेगा वो आंगनबाड़ी में जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनके लिए रहेगा सुरक्षित। उनके लिए रहेगा। तो यूपी के अंदर कितने आंगनबाड़ी हैं आपको पता है? नहीं सर मुझे नहीं पता है यूपी के अंदर 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं। अगर जी। इन आंगनबाड़ियों में प्ले, एलकेजी, यूकेजी तीन नई कक्षाएं शुरू होंगी, तो ये तो अभी परमानेंट जो है भर्ती जब होगा तो ये तीनों ही पद भरे जाएंगे। तो जी हर स्कूल में कम से कम तीन टीचर तो चाहिए ही चाहिए। तीन चाहिए तो चाहिए आने वाले समय में 1,87,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1,87,000 को हम लोग गुणा भाग करने के लिए सीधा सीधा 2 लाख मान लेते हैं, 2 लाख तो मान दो लेते लाख का हैं 3 गुना मतलब 6 लाख पद। जी। 6 लाख हो गया तो आने वाले समय में 6 लाख टीचर यहाँ तो चाहिए ही हर हाल में, ठीक है। जी। और एनटीटी जो गवर्नमेंट स्कूलों में होता है, यूपी के अंदर 4 ही ऐसे एनटीटी के कॉलेज हैं, महिलाओं के कॉलेज हैं, उन्हीं 4 में होता है। तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो एनटीटी कराती है उनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और हम लोगों ने अभी काउंट किया, लगभग 6 लाख पद बन रहे हैं। और जो जी एनएसडीएलएड किए हुए हैं वो पूरे भारत में 15 लाख हैं, यूपी में 2-3 लाख होंगे। जी तो अगर 2-3 लाख एनएसडीएलएड को भी ले लें, गवर्नमेंट सेक्टर में जो एनटीटी किए उनको भी ले लें, तो भी जो है पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो प्राइवेट में पढ़ा रहे टीचर्स हैं, एनटीटी किए हैं, एनसीटी दिल्ली से की होंगी आप एनटीटी, दिल्ली से ऐसा नहीं किया था। एक्चुअली मैंने आपने गोंडा से किया किया होगा, था वो आपने दिल्ली किया से। होगा, आपने किया होगा अपने ही क्षेत्र में, लेकिन अपना सर्टिफिकेट पढ़िएगा उस हाँ पर हाँ लिखा होगा हाँ एनसीटी दिल्ली। तो कभी भी किसी से सह बात कीजिएगा तो ये बताइएगा कि मेरा सेंटर गोंडा था, हमने ओके किया है ओके एनसीटी दिल्ली से, ठीक है। जी तो आपका जो एनटीटी है वो एनसीटी दिल्ली का है, जी हमने बीएड किया है, हमने मेरठ यूनिवर्सिटी से किया है। हमारा कॉलेज भले ही बनारस में रहा हो, इलाहाबाद में रहा हो, लेकिन कोई पूछेगा हमने बीएड कहाँ से किया तो हम बताएंगे मेरठ यूनिवर्सिटी से। तो मेरठ यूनिवर्सिटी से ऐसे जी। ही आपका एनसीटी दिल्ली से आपका है, हाँ जी आपका सेंटर जो था वो गोंडा में था, ठीक जी है। तो जो एनटीटी किए हुए लोग हैं प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो इनको भी मौका गवर्नमेंट जो है अभी कहीं घोषणा तो नहीं की है, बस अखबार में एनटीटी आया था, कौन सा एनटीटी स्पष्ट नहीं बताया, लेकिन पूरी जी संभावना है कि ये लोग जो सर एनटीटी इसका ये था जो चाइल्डहुड केयर करके है, अर्ली मतलब चाइल्डहुड। हाँ इस अर्ली चाइल्डहुड केयर करके है। इस पे मतलब ज्यादा मैं देख न्यूज में भी आया था और पेपर में भी आया था, तो इसका मतलब ज्यादा वो आ रहा है।
जैसे बनारस में BHU है, ठीक है, जी तो वहाँ पर जो है ये कोर्स चलता है, ठीक जी है, तो अलग अलग नामों से बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग जगहों पर चलते हैं। तो जो आप बात कर रही हैं ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो ये जो है ECCE के नाम से चलता है, हाँ जी तो ये एंटिटी के ही समकक्ष है, जैसे अच्छा BEd है, BTC है, DLED है, DEd है, JBT है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो लगभग सब कुछ इक्विवेलेंट है, सब प्राइमरी में एलिजिबल हैं, ठीक है। तो जी ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज हैं, जैसे BA हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया, सब ग्रेजुएशन ही है, लेकिन अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अलग ऐसे ही अलग नाम से हाँ, तो वो भी जो है कोर्स एंटिटी के ही समकक्ष है, लेकिन वो जो कोर्स है वो पूरी तरह से जो है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी वैलिड है। जो एंटिटी महिला कॉलेज में 4 UP में होते हैं, वहाँ से भी वो भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए वैलिड है, लेकिन जो आपका वैलिड एंटिटी है जी वो एक NGO है जो कि दिल्ली में है, और वो जो है NGO ये कोर्स चला रहा है, ठीक है। जी 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 और जो ये कोर्सेज हैं जो यूपी के अंदर 4 कॉलेज जो कि एंटिटी चला रहे हैं, या BHU है वो जो ECCE चला रहा है, ये जी लोग अप्रूवल किससे लेते हैं? NCTE, जो कि जो है मान्यता देती है BEd, BTC, DLED को, ये उससे अप्रूव्ड हैं। तो ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होकर के तब चला रहे हैं, और आपका जो है वो एक NGO से अप्रूव्ड है। तो अब आपके कोर्स को गवर्नमेंट भविष्य में कंसीडर कर रही है कि नहीं कर रही है, वो उसे मान्य कर रही है कि नहीं, ये भविष्य बताएगा कि गवर्नमेंट क्या भविष्य डिसीजन ले रही है। तो जी आपने NTT किया है, तो जो आपने NTT किया होगा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सोच करके और उसी उद्देश्य से किया होगा, वो प्राइवेट के लिए ही है, क्योंकि जी गवर्नमेंट में पहले प्री प्राइमरी होता ही नहीं था, ये तो प्राइवेट स्कूल वाले चला दिए ना। सब प्राइवेट के ही लिए था कि ये जो मतलब एक प्ले तो है, ये जो आपके प्ले स्कूल में है, पढ़ा ये जो प्ले क्लास है, LKG है, UKG, ये जी गवर्नमेंट ने कभी नहीं शुरू किया, ये प्राइवेट वालों ने अपने तरफ से चलाना शुरू कर दिया कि हाँ जी प्राइमरी से पहले हम नर्सरी चलाएंगे, और वो चलते चलते ट्रेंड में आ गया और इतना तेजी से फैला कि हर जगह हो गया। अब गवर्नमेंट उसको अपने यहाँ वो भी लेकर आ रही है, तो ये प्राइवेट सर वालों ने शुरू लेकिन किया। जी सर जैसे मैंने कल मैं भाभी उनके घर गई थी तो वो मतलब जैसे कैसे बताऊं मतलब जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं उनकी अच्छी खासी प्रिंसिपल है वो, और तो ऐसे ही वो किसी से बात कर रही थी तो मैंने उनको सुना, तो मैंने ऐसे ही मैंने उनसे पूछा कि ये आंगनबाड़ी के ही बारे में बता रही थी, मतलब जिसको भी वो बता रही थी, तो मैंने उनसे पूछा तो बता रही थी कि मतलब हाँ इस पे CBSE की ही है वो, बोर्ड की प्रिंसिपल है, तो वो बता रही थी कि इस पे बहुत मतलब अंदर ही अंदर बहुत तेजी से काम चल रहा है कि क्या चीज का? मतलब सर ये आगन सॉरी ये जो प्री प्राइमरी की है इसकी भर्ती मतलब जल्द ही आएगी अच्छा, तो जो जिनकी बात आप कर रही हैं जी। वो क्या शिक्षा मंत्री हैं? तो शिक्षा मंत्री नहीं है नहीं है ना, एक्चुअली वो तो वो भी जी एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप भी एक सामान्य व्यक्ति हैं, हम भी एक सामान्य व्यक्ति हैं, हमको भी जी कहीं ना कहीं से सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, आपको भी सुनने देखने पढ़ने को मिल रहा है, सर उनको हाँ भी ये तो बात कहीं ना कहीं से आपने मिल रहा है। अब इसमें सही आपको कहाँ से देखने सुनने को मिल रहा है, हमें कहाँ से देखने सुनने को मिल रहा है, उनको कहाँ से मिल रहा है, इसमें हो सकता है कोई सुनी सुनाई बात ऐसे ही अफवाह हो और किसी का ऑथेंटिक कही। बात हो, ठीक है। हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं कि न्यूज क्या आया, हम बात करते हैं हाँ। RTE एक्ट में क्या है, हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है, हम बात करते हैं कि NCTE क्या कर रहा है, हम ऑथेंटिक बात करते हैं, जो ऑफिशियल जो चल रहा है, हम किसी की सुनी ऑफिशियल सुनाई बातों पर नहीं बात करते हैं। तो वो क्या कहें उसको छोड़ दीजिए, जितनी देर जो बातें अभी तक आप सुनी हैं और जितना अब हम आगे बता रहे हैं या हर किसी को बताते हैं, हम ऑफिशियल बातें करते हैं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है, इसका हम प्रमाण भी दिखा सकते हैं, मेरे पास तो अखबार की कटिंग है, हम वो प्रमाण दिखा सकते हैं, और ग्रुप में जो लोग हैं वो लोग देखते हैं, हम ग्रुप में हर चीज शेयर करते रहते हैं, तो उनकी बातें कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, वो जो कही है वो बिल्कुल सही है, तो हम भी बता रहे हैं, अन्य कोई भी कहीं ना कहीं कोई चर्चा कर रहा होगा वही सुनी सुनाई बातें हैं। तो अभी आपने किससे क्या सुना उसको थोड़ी देर के लिए शांत कर लीजिए अपने मन को, जो बता रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, तो हम ऑथेंटिक चीजें बता रहे हैं, ये जब आप अपने दिमाग में रखेंगी तो आपको सही क्या रास्ता दिखाई देगा हमेशा कि अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, करना ठीक है। है तो पहले ही हमने शुरू में ही कहा कि
कि आप जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ लीजिएगा, कहे कि नहीं कहे शुरू में? हाँ हाँ आपने क्यों बोला कहे? क्योंकि सब कुछ कि उसी से तो नॉलेज चलना आनी है। चाहिए, मतलब नहीं नॉलेज नहीं, एक उसी जानकारी से मुझे पूरा मिलेगी। शिक्षा विभाग, हाँ पूरे भारत का शिक्षा विभाग उसी से चल रहा है, उसी से चलना सही है। है। अच्छा तो जिससे चलना है हम वो पढ़ें या सुनी सुनाई बातों पर चलें? हाँ नहीं आप सही बोल रहे हैं सर। तो आप इस फील्ड में आई हैं, अपने दिमाग को स्थिर कर लीजिए, सुनी सुनाई बातें बहुत कुछ सुनने को मिलेंगी। अब या तो आप तय कर लीजिए कि किसी ने कह दिया कौवा कान लेकर भाग गया और कौवे के पीछे भागिए, या तो फिर आप पढ़े लिखे समझदार की तरह किसी ने कहा कौवा कान लेकर भाग गया, पहले अपना हाथ उठाकर कान पर रखिए कि मेरा कान है गया जी सच में लेकर भागा है। अकलमंदी किसमें है, कौवे के नहीं पीछे भागने में या अपना कान चेक करने में? नहीं मुझे अपना टच करने में कान। तो पढ़ी लिखी है ना, तो पढ़ी लिखी की तरह बात कीजिए। किसने क्या कहा वो छोड़ दीजिए। आपने मेरे पास फोन किया हाँ है, मैं जितनी देर हम बात कर रहे हैं हम ऑथेंटिक बातें कर रहे हैं, आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता था कि आंगनबाड़ी है कितने, हमने हाँ आपको सब बताया, मुझे आप नहीं गूगल कर पता था। लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 1,87,000 हैं। हाँ केंद्रीय विद्यालय कितने हैं वो बता दें, हम बाल बाटिका कब शुरू हुआ बता दें, हम आपको ऑथेंटिक चीजें बता रहे हैं। ठीक है, हाँ सर ये तो है। वो दीदी आपकी तारीफ भी कर रही थी कि सर को बहुत नॉलेज है और आप तो एक बार फोन करके हाँ, तो देखिए। आपने जब फोन किया है तो इससे पहले आपने कहाँ किससे क्या सुना वो आपको पता है। थोड़ी देर के लिए मन को शांत करके जो बता रहे हैं सर उसको कर फोकस लिया सर कीजिए। कर लिया। हाँ, तो ओके जी एनटीटी के बारे में बताया था कि आपने जो एनटीटी किया है उसके बारे में बता रहे थे कि वो एनटीटी गवर्नमेंट भविष्य में सरकारी नौकरी में लेगी या नहीं लेगी, ये कंफर्म नहीं नहीं है। और मान करके चलिए कि आपका जो एनटीटी है वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तो बना ही नहीं था, कभी नहीं बना था। जी गवर्नमेंट लेकर के आई एक नया कोर्स NIOS डीलेड, हम अभी 2-3 बार इसका नाम बोल चुके हैं। हाँ हाँ सर ठीक है, तो NIOS डीलेड को तो वो लेगी गवर्नमेंट, ये कंफर्म है, लेकिन एनटीटी जी वालों को लेगी कि नहीं लेगी ये जो है डाउटफुल है। अखबार में एनटीटी लिख करके तो आया, लेकिन कौन सा एनटीटी? सर सर इसका गूगल पे भी जैसे सर्च करिए ना तो शो करता है, दिखाता है पूरा, मतलब गूगल क्या है? सॉरी गूगल एक जानकारी मेरे हिसाब से कि मुझे एक जानकारी अगर उस पर हम लोग जो भी लेते हैं तो थोड़ा मिल गूगल जाता है। जी एक, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, आप पढ़ती नहीं हैं, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अन्यथा शिक्षा के क्षेत्र में आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगी। गूगल एक सर्च ओके सर इंजन है, उसका काम ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, जितने भी वेबसाइट हैं, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी डाटा रखा हुआ है, आप जैसे ही उसमें कोई चीज़ लिखती हैं तो वो जी शब्दों पर काम करता है। आपने जैसे लिखा एनटीटी तो वो पूरे विश्व में एनटीटी, ये तीन अक्षर जहाँ एक साथ लिखे गए होंगे या इससे मिलते जुलते, उनको सर्च मारता है और फिर आपके सामने लिख करके ले आता है कि हाँ भैया एनटीटी का हमारे पास जो है 20,25,000 समथिंग जो है इतने रिजल्ट मिले हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। अब उसमें ऊपर कौन सा है, जी नीचे कौन सा है, शुरू में जो थोड़े होते हैं उनमें से आप किसी को क्लिक करके जो मिलता है देख लेती हैं, और जहाँ देख क्लिक लेते हैं करती सर। हैं तो कहीं ना कहीं किसी दूसरे वेबसाइट पर वो लेकर के जाता है। जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करती हैं और फिर जो सामने जी आता है और आप उसको जैसे ही टच करती हैं तो वो किसी दूसरे वेबसाइट पर आपको लेकर चला जाता है। तो गूगल ने अपना कुछ नहीं दिया, गूगल ने कहीं और ये चीज पाया, वो आपको बता दिया कि हाँ इससे संबंधित ये चीजें यहाँ हैं और वहां से वो दिखा रहा है। तो गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है। ठीक है, और आजकल तो गूगल भी फेल हो गया है, आ गया है AI। ठीक है, GPT आ चुका है और वो भी यही काम करता है, वो अलग से कोई काम नहीं करता है। वो क्या करता है, हर जगह जो कुछ लिखा हुआ है, जहाँ कहीं वेबसाइट पे जो जानकारी डाला हुआ है, उन जी जानकारियों को पूरा न दिखा करके, जैसे गूगल तो वो दिखा देता है भैया ये चीज़ यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, लेकिन वो दिखाता नहीं है। वो आप जो उससे प्रश्न करती हैं GPT से, तो वो आपको उसमें से एक 5 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन का एक अच्छा सा लेख लिख करके दे देता है, शॉर्ट में जानकारी। तो जी जब पढ़ रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आ गई हैं, तो कौन चीज क्या है, वो कैसे काम करता है, डिटेल में जानकारी रखिए, क्योंकि आपको शिक्षा देना है। और जब शिक्षा आप ही के पास नहीं होगा, आप देंगी कैसे, आपको बच्चों को नहीं सिखाना सही है। बात बोल रहे हैं आपसे। हाँ, तो अब आप जो है एक एक चीज को गहराई से जानिए, हवा हवा में सिर्फ मत रहिए, हवा हवाई बातों में मत रहिए, सुनी सुनाई बातों में। तो एनटीटी जो है वो हमने आपको क्लियर कर दिया कि आपका जो एनटीटी है वो NCT दिल्ली का है, NCT दिल्ली है, और हम बात कर रहे हैं जी NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक
ठीक है, वो अलग है। और जो जी आप एनसीटी की हैं दिल्ली से, वो एक एनजीओ है, और जो एनसीटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क हाँ, एनजीओ तो हम भी खोल सकते हैं, आप भी खोल सकती हैं। एनजीओ खोल करके आप जी भी कुछ भी अपने यहाँ से कंप्यूटर रख करके, लैब प्रिंटर रख करके प्रिंट करके बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं, दे सकते हैं। तो हमारे आपके प्रिंट करके दे देने से वो ऑथेंटिक तो नहीं हो जाएगा ना? हाँ हाँ, तो एनसीटी जो दिल्ली का है वो काफी लंबे समय से चल रहा है, बहुत सारे अप्रूवल उसने ले रखे हैं, लेकिन गवर्नमेंट अब उस जो है सर्टिफिकेट को आने वाले टाइम में अपने यहाँ नौकरियों में मौका देगी नहीं देगी, ये भविष्य जी बताएगा। और हमें जहाँ तक अनुमान है कि जो दिल्ली वाला एंटिटी है, इसकी संभावना जो है 50-50% के हैं, मिल भी सकता है नहीं भी। अगर जो है एनआई डीएलएड या गवर्नमेंट सेक्टर के एंटिटी की हुए, या अन्य जो कोर्स गवर्नमेंट लेकर आ रही है, 1 साल का बीएड लेकर आ रही है, ये कोर्सेज जितने करके लोग आ जाएंगे, तो फिर क्या जरूरत है ये प्राइवेट छोटा सा कोर्स करके बैठे हुए लोगों को लेने का? तो आपने एनटीटी किया है, आप प्राइवेट में पढ़ा रही हैं, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आना है तो और कुछ जो है डिग्रियां कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एनटीटी आने जा रहा है 1 साल, अरे सॉरी, बीएड आने जा रहा है 1 साल का, और उसमें भी नर्सरी बीएड आएगा। तो अगर नर्सरी बीएड आता है तो एनटीटी का मुंह मत देखिएगा कि हमने कर रखा है, तुरंत नर्सरी वाला बीएड कर लीजिएगा, आने जा रहा है। क्योंकि ओके जो सर केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका में टीचर रखे जा रहे हैं, आप पढ़िएगा जी विज्ञापन, उसमें नर्सरी बीएड लिखा हुआ है, नर्सरी बीएड वालों को ले रहे हैं। अच्छा तो आपका जो एनटीटी है, पहले तो वो ही डाउटफुल है, ठीक है, कि उसको जी लेंगे कि नहीं लेंगे। गहराई से हर चीज को जानिए, तब आपका भविष्य का रास्ता खुलेगा। नहीं, सुनी सुनाई बातों में रहेंगी तो प्राइवेट में पढ़ा रही हैं, प्राइवेट में ही रह जाएंगी फिर। अगर गवर्नमेंट सेक्टर का सोच रही हैं तो फिर नहीं हो पाएगा पूरा। तो आपका ओके जो एनटीटी सर है वो हमने क्लियर कर दिया, वो है क्या? ठीक है सर। सर ये जो आप बता रहे थे 1 वर्ष वाला, सर इसको फिर से जरा रिपीट कर दीजिए जो आप बोल राष्ट्रीय रहे थे शिक्षा रिन्यू। नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि भविष्य में सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में एक ही कोर्स रहेगा, बीएड। बीएड के अलावा अन्य जितने कोर्स हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे। आपने सुना होगा कि लोगों ने बीटीसी किया है, डीएलएड किया है, एडमिशन भी आजकल जो है चल रहे थे, ये भी कोर्स अब बंद होने जा रहे हैं कुछ सालों में। समय लगेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी समय लगेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ है, उसके अनुसार सारी चीजें बदल रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आया है, इससे पहले आया था 1986 में, ठीक है। उससे पहले का सारा डाटा आप चेक कर लीजिए कब कब आया है। जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आता है तो ये 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए आता है। उसमें जो कुछ लिखा गया होता है, कुछ चीजें तुरंत होती हैं, कुछ चीजें धीरे धीरे होती हैं, 10-20 साल लगते हैं। समय लगता है जी और इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूरा शिक्षा विभाग चलता है ना, समझ जी रही है ना? जी जैसे कोई घर बनाना हाँ है हाँ तो पहले तय होता है ना, घर बनाने से पहले, कि हम पूजा घर कहाँ बनाएंगे, हम सोने का कमरा कहाँ हाँ बनाएंगे, बाथरूम कहाँ हाँ बनाएंगे, किचन कहाँ बनाएंगे, तय करके तब तो मिस्त्री को हम बताते हैं कहाँ क्या बनाना, उस हिसाब से हाँ बनाता है। तो जो हाँ चीज जी पहले तय किया गया है उसको एक कागज पे नक्शा खींच करके बना लेते हैं ना, कि यहाँ पर ये चीज, यहाँ ये हाँ चीज, फिर वो फाइनल जो करते नक्शा हैं। होता है, मॉडल जो होता है, वही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसी में तय कर लिया गया है कि हमें क्या करना है, कौन सी पढ़ाई जो है करानी है, कैसी पढ़ाई करानी है, किसमें क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, कौन से जो है चैप्टर पढ़ाने हैं, सब उसी में तय होता है, उसी के माध्यम से, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको समझिए, अगर शिक्षा विभाग में रहना है तो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नहीं समझेगा, शिक्षा विभाग में ज्यादा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हर परीक्षा में भी इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर इंटरव्यू में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और एक कानून बना है भारत के अंदर, आरटीई एक्ट, कब आया था ये है जानकारी? नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं आरटीई एक्ट आया था 2009 में। ये कानून नो है, ये राष्ट्रीय शिक्षा जी नीति एक योजना है, नीति है, और हम जो अभी बोले हैं जी वो आरटीई एक्ट एक कानून है। जैसे जी कानून है ना कि जो है हाँ जी कोई किसी का सामान चुरा लेगा तो उसके लिए बना है कि उसको क्या सजा होगी। कोई किसी क्या को, सजा जैसे SC ST एक्ट है, कि कोई SC ST वर्ग का है, उसको किसी ने अपशब्द प्रयोग कर लिया, गाली गलौज कर दिया, मार दिया, तो उसके लिए बना है। महिलाओं के लिए कानून बने हैं कि कोई शादीशुदा महिला है, उसके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है, दहेज वहेज मांगा जाता है कुछ भी, तो उसके लिए कानून है। तो जो कानून होते हैं, तो वैसा ही एक कानून ये भी बनाया गया है शिक्षा से संबंधित।
उसको भी पढ़िएगा आप शिक्षा के क्षेत्र में, वो जानना जरूरी है, हर परीक्षा में पूछा जाता है आरटीई से प्रश्न, तो 2009 में, तो उसके तहत बहुत सारी चीजें की गई। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया है तो आरटीई एक्ट में जो कुछ था वो तो है ही है, उसमें और नई चीजें जोड़ दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो वो सारी चीजें आप जो हम बता रहे हैं ना वो सब एक साथ बता रहे हैं, तो हो सकता है खिचड़ी पक जाए, आपको कुछ चीजें समझ में आए कुछ चीजें ना नहीं समझ में नहीं आए। मुझे आ रही है आपकी बात समझ में आ रही है सर। एक्चुअली इसलिए मैंने आपको फोन किया कि मतलब वो दीदी बता रही थी, मैं कहा ठीक है करके देखते हैं, मतलब फोन तो पहले करें फिर देखते हैं मतलब क्या तो है क्या नहीं, क्योंकि जो मुझे बता आपकी रहे हैं, बात। जो हम बता रहे हैं, हम दावा करते हैं कि पूरे भारत में आप एक ऐसा व्यक्ति खोज लीजिएगा जो चीजें हम बता रहे हैं इतना डिटेल में हर चीज को, इतना कोई बताने वाला मिल जाए तो बताइएगा हमें, ठीक है। जी तो सर आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ बीएड रहने वाला है, और बीएड 3 तरह का रहेगा, एक 4 साल वाला, एक 2 साल वाला और एक 1 साल वाला। 2 साल वाला तो आप देख रही ठीक हैं इस वक्त चल रहा है, है हाँ जी ये हमेशा आप देख रही होंगी, पिछले साल भी एडमिशन हुआ, अभी भी इंट्रेंस फॉर्म भरे जा रहे हैं, बुंदेलखंड जी यूनिवर्सिटी भरवा रहा है, डेट खत्म हो गया था फिर डेट बढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये 2 साल वाला कोर्स तो चल जी रहा है, दो और नए बीएड आ गए, 4 साल वाला आया है वो इंटर के बाद, ठीक है। जो लोग इंटर के जी बाद टीचिंग में आना चाहते हैं तो वो 4 साल वाले बीएड में जाएंगे, ये जो है 2 साल से ट्रायल में था, जब ट्रायल में देखा गया सब कुछ ठीक है तो अब इस साल से पूरे भारत में लागू कर दिया गया है, पूरे भारत में लागू जी हो गया है, आप 1 महीने के अंदर का पेपर उठा करके पढ़ लीजिए मिल जाएगा आपको। तो ये 4 साल वाला कोर्स जो है एडमिशन वगैरह स्कूलों को मान्यता वगैरह ये सब शुरू हो चुका है, तो 2 साल का जी था 4 साल वाला आ गया, अभी 1 महीने के अंदर का न्यूज है, आज भी हमने व्हाट्सएप में ग्रुप पर शेयर किया है, आपको भी एक मैसेज कीजिएगा तो हम दे देंगे, 1 साल वाला बीएड वो लखनऊ विश्वविद्यालय को दिया गया था, इसकी जो है रूपरेखा तैयार करे, इस वक्त कमेटी जी बनाई गई थी, उसने सब कुछ तैयार कर लिया है, और अब लखनऊ विश्वविद्यालय ने सब कुछ तैयार करके एनसीटी को रिपोर्ट दे दिया है, और एनसीटी ने घोषणा किया है कि जल्द ही जो है हम 1 साल का बीएड लेकर आने जा रहे हैं, और ये जो एक अच्छा साल का बीएड है, सुन लीजिए पूरा, जी जो 1 साल जी का बीएड है ये अलग तरह का बीएड होगा, और ये 1 साल का जी बीएड कौन करेगा, जिसने मास्टर डिग्री कर रखा हो, जी आपने कर रखा है मास्टर डिग्री है जी ना, तो आपकी नजर किस पर होनी चाहिए आज के बाद, 1 साल वाले बीएड पर। सर 1 साल वाले बेटे हाँ, उसमें कई तरह के कोर्सेज होंगे, 1 साल का बीएड जो है वो कई तरह का होगा, अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग रहेगा, उसमें भी आप देखिएगा कि आपको अगर नर्सरी में जाना है तो नर्सरी के लिए कौन सा है, या आएगा तो खुद ही अखबार में न्यूज आ जाएगा कि कौन सा बीएड किसके लिए है, तो उसमें आप अपने लिए बेहतर ढूंढ लीजिएगा। तो जी 4 साल वाला बीएड इंटर के बाद के लिए है, 2 साल वाला बीएड ग्रेजुएशन के बाद वालों के लिए है, किसी ने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, बीटेक किया, बीफॉर्म किया, कुछ भी किया है तो ग्रेजुएशन के बाद वो 2 साल वाला बीएड करेगा, और 1 साल वाला बीएड जो बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि मास्टर डिग्री जो कर चुका होगा उसके लिए जी रहेगा। अब ये जब आएगा तब क्लियर होगा कि कौन सा किसके लिए है, अभी तक तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है और जो अखबारों में आ रहा है हम उस पर बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली कोई चीज जी जब सर आता है तब उसका असली रूप सामने आता है, जैसे जी सर नोटबंदी हुआ था, नोट का था कि भैया नोट ऐसा आएगा, नोट वैसा आएगा, उसमें चिप लगा होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन फाइनली जब आया तो आया तब सबके पता सामने चला आ गया कि हाँ एक्चुअल में है कैसा वो। तो कोई चीज जब जी नहीं आया है उसके पहले जो बात हो रही होती है वो अलग होती है, जब कोई चीज आ जाता है तो फिर एक्चुअल जो होता है उस पर बात होती हाँ है। वो पता चल जाता है। तो जब आ जाएगा 1 साल वाला तो उसको देख लीजिएगा, तो अब आपके सामने तीनों ऑप्शन है, तो 4 साल वाले में तो आप जाएंगे नहीं, इंटर के बाद है वो, अब आपके जी सर सामने है कि या तो आप 2 साल वाला बीएड भविष्य में कर लीजिए, ठीक है। मैं 2 साल का मैंने करने की कोशिश बहुत की, लेकिन मैं जहाँ भी लोग बोले कि नहीं आपने एंटिटी कर रखी है, मतलब मैं अपनी एक बात बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही थी, जब मैं एंटिटी कर रही थी तो वो पहले 1 साल का था, तो मैंने 11 11 में ज्वाइन किया था, तो 11 से 12 हो गया, जब लास्ट उसका 12 हुआ तो ये 2 साल का हो गया, तो तब मुझे सुनने में आया था कि आज से 10 साल के बाद इसकी गवर्नमेंट जॉब में मतलब इसका कुछ ना कुछ निकलेगा, तो मैंने ये सोचा कि अच्छा चलो 1 साल किया 1 साल और कर लेते क्या करना है, तो मतलब फिर मैंने उसको 2 साल का कर लिया, जो अब हम मैं बता रहे हैं जहां भी आपको, जाती हूँ देखिए हमने कहा ना जैसे शुरू में मैं कि आपने जहाँ जो सुना वो छोड़ दीजिए, अब आज की जी तारीख में आपने एनटीटी कर रखा है ऑलरेडी, आप प्राइवेट में पढ़ा रही हैं, ठीक है। जी सर मेरा सलाह आपके लिए है कि आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो 2 साल वाला बीएड
या इंतजार कर लीजिए 1 साल वाले बीएड का, ठीक है। जी सर। तो अगर करंट में बात किया जाए तो एक एक दिन गवाना जो है बेकार है, अपना नुकसान करना जी है। 1 साल वाला बीएड सर अभी आएगा, आया नहीं है, और जी आएगा सर तो उसमें क्या होगा, कैसा होगा, उसका एक्चुअल रूप क्या होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मेरे लिए बेनिफिशियल होगा नहीं होगा, ये भविष्य में पता चलने वाला है। तो जी एक सर साल जी वाला तो हम जब आएगा उस समय डिसीजन ले लेंगे, करें ना करें क्या करें। लेकिन अभी करेंट की अगर बात करें तो समय गंवाने सर से बेहतर है कि इस समय बीएड के फॉर्म भरे जा रहे हैं। डेट खत्म हो जी गया सर था, वो डेट फिर से बढ़ा दिया गया है, और ज़्यादा समय है नहीं, हमें लगता है 1-2 दिन और बचा होगा, डेट हमें याद नहीं है अच्छा ठीक से। तो आप फोन रखने के बाद सबसे पहला काम आज कीजिएगा, बिना कुछ सोचे, पैसे को मत सोचिएगा, अन्य किसी भी चीज को मत सोचिएगा, किसने क्या कहा था वो सब मत सोचिएगा, फोन रखने के बाद आज का आपका काम रहेगा टारगेट कि किसी भी तरीके से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का बीएड का जो फॉर्म भरा जा रहा है एंट्रेंस का, वो फॉर्म हर हाल में भर दीजिएगा, चाहे 500, 1,000, 2,000 जो भी फीस लग रहा हो जी सर वो आप भर दीजिए। किसने क्या कहा था वो सब छोड़ दीजिए, आप फॉर्म भर करके बीएड का एंट्रेंस दीजिए। अगर 1 साल वाला आ जाता है तो फिर डिसीजन ले लीजिएगा क्या करना है, नहीं आता तो चुपचाप ये 2 साल वाला बीएड जो है करना शुरू कर दीजिएगा। अब आपको डिसीजन लेना है कि आप किससे करना चाहती हैं, रेगुलर करना चाहती हैं या इग्नू वगैरह से, राज टंडन से करना चाहती हैं, जॉब करते हुए इग्नू से राज टंडन से किया जा सकता है, यहाँ जो रेगुलर है जी ये सर भी किया जा सकता है जॉब करते हुए, लेकिन दिखाना नहीं होगा कि हम वहाँ रेगुलर भी कर रहे हैं जॉब भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं तो फिर आप अगर जो है वहाँ रेगुलर में एडमिशन लेंगी और क्लास अटेंड नहीं कर रही हैं और नौकरी कर रही हैं, तो नौकरी में कहीं पर भी साइन वाइन जहाँ कर रही होंगी तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो चीज़ कभी गवर्नमेंट के सामने ऑफिशियल ना आने पाए। आप वहाँ से सैलरी उठा जी रही हैं, सर ये बात जो है वहाँ भी नौकरी कर रही हैं, ये बात ऑफिशियल कहीं भी सामने नहीं आना चाहिए कि आप दो चीज़ें एक साथ कर रही हैं। दोनों जी सर रेगुलर हैं ना, आप स्कूल में भी पढ़ा रही हैं यानी आप वहाँ प्रेजेंट हैं, और आप रेगुलर हाँ कोई जी पढ़ाई कर रही हैं, रेगुलर पढ़ाई में 75% अटेंडेंस चाहिए होता है, तो इसका मतलब आपको वहां पर भी अटेंडेंस दिखाया जा रहा है, कॉलेज वाला दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि हमारे यहाँ ये क्लास में बैठी हैं। ये कैसे संभव जी हो सकता सर है कि आप एक समय में दो जगह उपस्थित हों, जी सर तो दो रेगुलर चीजें एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर रेगुलर जी वाला आप करती हैं और बिना क्लास किए करती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि दोनों चीजें ऑफिशियली कहीं भविष्य में पकड़ में न आने क्यों पाए, भविष्य में पकड़ में ना आए, करने को लोग सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा प्रूफ मत छोड़िएगा कि कोई आपका दुश्मन हो और वो आपका कहीं टांग अड़ा कर गिरा दे, फंसा दे हाँ आपको, सर नहीं तो आप बाकी ऐसे कहीं पता चलता नहीं है। तो आप हाँ है वो तो एंट्रेंस का फॉर्म डाल दीजिए 2 साल का बीएड का, वो सब जो लोगों ने कहा एनटीटी ये वो, अभी हमने एनटीटी की कहानी आपको बता दिया कि जो आपने एनटीटी किया है वो क्या है, ठीक है। जी सर एनटीटी यूपी के ओके अंदर गवर्नमेंट 4 ही कॉलेज हैं और वो हर हाल में वैलिड रहेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के लिए, वो 2 साल का है वो वाला। और जी ये सर जो आपने एनटीटी किया है ये एनसीटी दिल्ली कराता है और ये एक एनजीओ है, इसको जी गवर्नमेंट सर वैलिड करेगी नहीं करेगी ये भविष्य में पता चलेगा। लेकिन जो एनटीटी, जो महिला जो कॉलेज हैं 4, उसमें से जिसने किया होगा वो तो कंफर्म है, उसको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। एक जी पोस्ट सर गवर्नमेंट लेकर के आई थी एनआईओएस से, डीलेड, जो लोग स्कूलों में पढ़ा जी रहे थे 2017-2019 के बीच में, उन लोगों को ये कोर्स करवाया गया, तो वो भी जिसने किया होगा उसको भी प्री प्राइमरी में मौका मिल जाएगा भविष्य में। तो जी सर आप चूंकि एनआईएस डीलेड हो नहीं रहा है तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे, जो से हो ही नहीं रहा है। तो 1 साल वाला बीएड आपके सामने है, 2 साल वाला बीएड है, 1 साल वाला अभी आने वाला है, वो कब आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, किसके लिए होगा, वो भविष्य बताएगा। आपके सामने इस वक्त 2 साल वाला बीएड का ऑप्शन है, तो एंट्रेंस जी फॉर्म भरे जा रहे हैं, भर दीजिए बिना संकोच किए हुए। अगर पॉसिबल हो तो इग्नू का भी भर दीजिएगा, राज टंडन का भी भर दीजिएगा, इग्नू या राज टंडन से हो जाए तो और अच्छी बात है, आप जॉब कर रही हैं जॉब करते करते कर लेंगी, और जी नहीं सर तो रेगुलर वाला करना चाहें तो रेगुलर वाला कर लीजिए। इन्हीं कोर्सेज की जो है आगे मान्यता रहेगी, और एनटीटी आप मान लेते हैं गवर्नमेंट कल को लेती भी है आपका एनटीटी, तो आप बस प्री प्राइमरी तक ही रह जाएंगे, भविष्य में प्रमोशन भी नहीं हो पाएगा। तो भविष्य में आप सही कह रहे हैं मान लेते हैं कि प्री प्राइमरी में बाल वाटिका में गवर्नमेंट आपके एनटीटी को भी ले लेती है और आपकी नौकरी लग गई, मान लिया हमने। जी सर अब जब प्रमोशन की बात आएगी, 5 साल 10 साल में प्रमोशन होगा, तो जी आपने तो ऊपर का कोई कोर्स ही नहीं किया, तो फिर आपको वहां पर क्या सर होगा भैया, प्रमोशन के लिए फिर चलो बीएड करो, तो वो तो फिर बाद में भी करना पड़ेगा आपको। जी सर तो जो चीज बाद में करना है और एनटीटी का भी पता भी नहीं है, तो इसलिए चुपचाप
बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का साइट खोलिए, गूगल कर लीजिए, और या फिर सरकारीरिजल्ट.com पे चले जाइए, वहाँ से जो है सारा जानकारी ले लीजिए और बीएड का एंट्रेंस फॉर्म भर दीजिए, 2 साल वाले बीएड का एंट्रेंस की तैयारी करके एंट्रेंस दीजिए। इग्नू का भी चेक करते रहिए, हमें लगता है आ गया होगा या आएगा, तो इग्नू का या राजेश टंडन का अगर भर सकिए तो वहाँ से भर लीजिएगा, तो नौकरी करते हुए कोई दिक्कत नहीं है उसका, तो वो दोनों एक साथ दिखाया जा सकता है। जी सर, आप ऑलरेडी जो है 2 साल नौकरी कर ही चुकी हैं, वो भी उसमें प्लस हो जाएगा। तो अब डिसीजन लेने का वक्त आ गया है कि अब आगे आप अपने करियर को कहाँ ले जाना चाहती हैं, सारी जानकारी हम आपको दे दिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कोई और क्या कह रहा है वो सुनिए या मत सुनिए, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जितना पढ़ेंगी उतनी ज़्यादा नॉलेज होगी शिक्षा विभाग की, RTE Act जितना पढ़ेंगी उतनी ज़्यादा नॉलेज होगी शिक्षा विभाग की। जी सर, शिक्षा विभाग में रहना है तो कम से कम ये दो जानकारी तो होना चाहिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और RTE Act। RTA जी सर, इसी पर सब कुछ डिपेंड करता है पूरे शिक्षा विभाग का। चलिए और बताइए, कहीं कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन? सर नहीं इसी का है सर, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है तो हाँ, जिस पर आपने कॉल किया है इसी सर से। इस पे मैं मैसेज कर दूंगी तो आप वो ग्रुप से जोड़ लीजिएगा। ठीक है, आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको ग्रुप का लिंक दे देंगे, जुड़ जाइएगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन डेली शेयर किया जाता है, सारे तो आपके काम के नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ जी पर सर, NTT वाले भी हैं, BEd वाले भी हैं, BTC, DLED, हर तरह के लोग हैं, तो हर जी तरह का सर, इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाता है। तो सारे अगर इन्फॉर्मेशन जो है देखती रहेंगी तो आपको सबके बारे में जानकारी रहेगी, जैसे आज हमें सबके बारे में जानकारी है तो हम जो है हर फील्ड में बात कर रहे हैं, ऐसे ही आपको सबकी जानकारी, अगर सबका नहीं चाहिए तो उसमें ढूंढ लीजिएगा, आपके काम का जो रहेगा उसको देखते ओके रहिएगा। ओके सर, ठीक ठीक है, चलिए और कहीं सर, कोई डाउट तो नहीं? नहीं नहीं सर, नहीं, चलिए फिर रखें। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।